सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाए वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। नारायण कवच में बड़ी शक्ति है बंधु। पिछले 30-35 वर्ष से तो हमारे पिताजी नारायण कवच का पाठ करते होंगे, 30-35 वर्ष से। और नारायण कवच का इतना प्रभाव है कि आज के इस कलयुग में, इस कलकाल में, इस जीव की सर्व प्रकार से रक्षा करने की सामर्थ्य है अगर कोई नित्य उसका पाठ करने वाला हो। जब लक्ष्मी की प्राप्ति हो गई तो इंद्र ने एक यज्ञ कराया विश्वरूप जी को, आचार्य बनाया गया। और जब आहुतियां दी गईं तो विश्वरूप जी साथ साथ दैत्यों के लिए भी आहुति दे रहे हैं। इंद्र को जब पता चला तो उन्होंने विश्वरूप जी से कहा कि ये गलत है, यज्ञ अगर हम देवता करा रहे हैं तो देवताओं के लिए आहुति होनी चाहिए, ना कि दैत्यों के लिए। लेकिन बार बार मना करने के बाद भी विश्वरूप जी दैत्यों के लिए आहुति दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि दैत्य जो हैं वो विश्वरूप जी के नाना हैं। आहुति देते रहे, इंद्र ने कोप करके विश्वरूप जी का वध कर दिया। जैसे ही वध किया, ब्रह्म हत्या उत्पन्न हो गई। जब ब्राह्मण का वध हुआ तो ब्रह्म हत्या उत्पन्न हो गई है। ब्रह्म हत्या को चार स्थानों पर बांटा गया है। ऊसर भूमि, जो बंजर भूमि होती है, वो ब्रह्म हत्या की ही मानी जाती है। ऊसर भूमि, दूसरा स्थान काई, जो जल में काई लग जाती है ना, ये ब्रह्म हत्या का स्वरूप है। तीसरा निर्यास, पेड़ों पर जो गोंद लगती हुई दिखाई देती है ना, वो पेड़ से गोंद निकलती है, ये भी ब्रह्म हत्या का स्वरूप है। और चौथा स्थान दिया, जब माताएं रजस्वला हो जाती हैं, वो भी ब्रह्म हत्या का स्वरूप है। लेकिन प्रभु की लीला है, ब्रह्म हत्या को बांट तो दिया लेकिन ये वरदान भी दे दिया साथ साथ कि ऊसर भूमि जो है उसके गड्ढे स्वतः ही भर जाया करेंगे। दूसरा, वृक्ष जो है उन्हें काटेंगे लेकिन वो खुद ही उगाया करेंगे। पेड़ों को देखो, कितना भी काट देते हैं लोग लेकिन वापस उगाते हैं। जल लोगों की प्यास बुझाएगा। आज कोई बहुत प्यासा व्यक्ति हो और जल में काई लग रही हो, साइड साइड कर देता है, अच्छे अच्छे जल को ग्रहण कर लेता है। और चौथा स्थान रजस्वला स्त्री के लिए दिया कि रजस्वला होने के कारण ही इन्हें संतान की प्राप्ति होगी। ये चार स्थान दिए गए हैं। चार स्थान देने के बाद श्रीमद् भागवत जी में वृत्तासुर का प्रसंग है। और सबसे अच्छा, सबसे सुंदर जो प्रसंग है वो है भगवान के भक्त श्री प्रह्लाद जी महाराज का।
हिरण्याकश्यप जो हिरण्याक्ष का भाई है और हिरण्याक्ष का वध किया बारह भगवान ने, इस कारण से भगवान नारायण से बैर बांध के बैठा हुआ है कि संसार में सबसे बड़ा कोई बैरी है तो नारायण है। देखिए बंधुओं, जीवन में दो मार्ग हैं, एक है विकास मार्ग और दूसरा है प्रकाश मार्ग। विकास मार्ग विषाद उत्पन्न करता है और प्रकाश मार्ग जीवन में प्रसाद देता है। विकास की ओर दौड़ता तो है इंसान, लेकिन जितना विकास है उतना विनाश भी है। जो वस्तु विकास के लिए बनेगी वो विनाश भी करने वाली होती है। इसीलिए भोगी जो है ना वो भवन का निर्माण चाहता है। जो जीव भोगी होगा वो भवन का निर्माण चाहता है और जो योगी होगा वो जीवन का निर्माण चाहता है कि जीवन अच्छा बने। लेकिन हिरण्याकश्यप के राज में कोई भी नारायण का नाम नहीं लेगा, कोई भी यज्ञ नहीं करेगा, कोई भी तप नहीं करेगा, कोई कथा नहीं होगी, कोई कीर्तन नहीं होगा। ध्यान है ना आपको, ये दैत्यों के राज में ही संभव है कि धार्मिक कार्य रोके जाएं, धार्मिक अनुष्ठान रोके जाएं, मंदिर से लाउडस्पीकर उतारे जाएं, मंदिर के झंडे उतारे जाएं, हनुमान चालीसा पर रोक लगाई जाए। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, सबको याद होगा। जब राक्षसी वृत्ति भरती है ना तो जीव को वो अहंकार हो जाता है कि वो स्वयं को ही नारायण समझने लगता है, स्वयं को ही ईश्वर समझने लगता है। महाराज परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज से बहुत अच्छा एक प्रश्न किया है कि गुरुदेव, भगवान सदैव दैत्यों में और मानवों में बराबर प्रेम क्यों नहीं करते हैं? हमेशा दैत्यों का संहार करते हैं, देवताओं की रक्षा करते हैं। श्री सुखदेव स्वामी मुस्कुराते हुए कहने लगे, राजन, संतान तो सब ईश्वर की है, लेकिन अगर एक बालक अस्वस्थ हो जाए तो माँ उसे मूंग की दाल का पानी पिलाती है और बच्चों को हलवा पूरी खिला देती है, तो इसका अर्थ क्या है? क्या माँ उस बच्चे से प्रेम नहीं करती? उस बच्चे से भी प्रेम करती है, लेकिन उसके कल्याण के लिए, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए उसको दाल का पानी पिलाया जा रहा है। तो बच्चे के मन में यह भाव आ सकता है कि मेरे माता पिता मेरे साथ दुमात करते हैं, देखो और भाइयों को अच्छा अच्छा भोजन मिल रहा है, मुझे मूंग की दाल का पानी पिला रहे हैं। लेकिन बंधुओं, वो उसके कल्याण की भावना के साथ हो रहा है ताकि वो स्वस्थ हो। लेकिन हिरण्याकश्यप भजन बंद, कीर्तन बंद, तप बंद, यज्ञ बंद, हिरण्याकश्यप सोचता है कि चलिए जंगल में चला जाए, कुछ सिद्धियां प्राप्त की जाएं, भगवान को प्रसन्न किया जाए। भजन करने के लिए बैठ गया है, तो जब दैत्य भजन करने के लिए बैठते हैं ना तो सबसे ज्यादा टेंशन अगर किसी को होती है तो देवताओं को होती है।